में बसपा सपा की गठबंधन नेताओं की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, देखिए रिपोर्ट। बिलग्राम नगर के वरिष्ठ सपा नेता व पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री पिछड़ा वर्ग आयोग राजेश यादव के मकान पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रसपा के वरिष्ठ नेता रामबाबू रस्तोगी ने यूपी सरकार व सूबे के मुख्यमंत्री समेत चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। प्रसपा सपा गठबंधन होने के बावजूद अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव न लड़ने के प्रश्न पर रस्तोगी ने कहा कि उन्हें पहले चाबी निशान मिला था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनकी पार्टी के चिन्ह को हरियाणा के किसी पार्टी को आवंटित कर उनके साथ धोखा किया। अब समय कम बचा है, इसलिए सपा गठबंधन के साथ साइकिल चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि जब 60 रुपए लीटर डीजल था तब भाजपा ही संसद में हल्ला मचाते थे, लेकिन अब मुद्दों से हटकर हर खाली प्लॉट बीजेपी का है कि तर्ज पर किसानों की भूमि पर कब्जा करने में जुटे हुए हैं, जिन्हें जनता मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। उनका साथ नहीं दे रही बल्कि 90% उनके विरोध में है। योगी जी अपने कार्यों से, अपने काम से, अपनी बहुत सी ऐसी धारणाएं जो हिंदू धर्म में नहीं होनी चाहिए वो कर रहे हैं और जातिगत बहुत से निर्णय ले रहे हैं, उससे पूरा का पूरा हिंदू धर्म ही डिवाइड हो गया है और बहुत जल्दी उनके सामने इसका रिजल्ट दिखेगा। यूपी में कुल कितनी सीटों पर आप जीत हासिल कर रहे हैं? यूपी के अंदर लगभग 300 सीटों पर समाजवादी गठबंधन जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो सपा का प्रत्याशी बिलग्राम मल्लाह विधानसभा में, वो किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा? सपा का प्रत्याशी जो यहाँ पर टिल्लू है, वो हमारे समाजवादी पार्टी और प्रसपा की जो बेसिक मूल्य है कि हम स्टूडेंट, महिलाओं का सम्मान और लघु और कुटीर उद्योगों का सम्मान और फंडामेंटल राइट्स के प्रति सजग रहें, पुलिसिया राज को खत्म करें और जो बेसिक नीड्स है हमारे युवाओं की वो उनको पूरी हो जाए, यही मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई वो किस संबंध में रखी गई है? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश सिंह यादव जी, दोनों लोगों की पार्टियों में प्रसपा और सपा में जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन को देखते हुए आज यहाँ लखनऊ हरदोई जिले के बिलग्राम में एक प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि प्रसपा और सपा के जितने भी पदाधिकारी संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 403 विधानसभा पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें जाकर सभी लोग आपसी मतभेद मनभेद को भुलाते हुए समाजवादी के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर उत्तर प्रदेश में एक नई अखिलेश की सरकार बनाया जाए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी हों, इस वजह से आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई। एक मेरा सवाल है, आपकी प्रसपा पार्टी अपने सिंबल से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? देखिए, जिस दिन प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का निर्माण हुआ था, हम लोग फाउंडर मेंबर हैं उसके, उस समय चुनाव चिन्ह हमको चाबी दिया गया था और चाबी का प्रचार प्रसार गांव गांव, पांव पांव, नगर नगर, डगर डगर को देखते हुए पूरे प्रदेश में चाबी को फैला दिया गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने भी मेरे साथ धोखा किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ धोखा किया। चुनाव के 15 दिन पहले उन्होंने चाबी का सिंबल उठा के हरियाणा के किसी दूसरी पार्टी को दे दिया और मुझको स्टूल आवंटित किया। अब स्टूल चुनाव के समय में हमारे पास समय प्रचार प्रसार के लिए नहीं बचा, इस वजह से हम साइकिल के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में पूर्व सीएम अखिलेश यादव व मौजूदा मुख्यमंत्री योगी जी के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, जो सीमाओं को लांघ रही, उस प्रकार क्या देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे और विकास कितना हुआ है, अपराध में विकास हुआ है, महिला हत्या पे विकास हुआ है, व्यापारियों की हत्या, लूट डकैती छिनैती पे विकास किया है उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी का नारा है हर खाली प्लाट हमारा है, उन्होंने किसानों की जमीन को कब्जा किया है, ये उनका विकास है। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज करना, मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय करना, नाम को बदल कर नवीनीकरण करना, ये उनका विकास है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आए थे 2012 से 17 तक आदरणीय अखिलेश जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास किया है। और ये देश का प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि जनता बीन बजाने वाले जुमले में फंस गई और 5 साल जनता ने कैसे महंगाई का मार झेला है, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है, 60 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल पर,
भारतीय जनता पार्टी के लोग जब विपक्ष में थे तो सीना पीट रहे थे चौराहे पर बैठकर अच्छे दिन दिखाने के। और ये देश का प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि जनता बीन बजाने वाले जुमले में फंस गई। और पांच साल जनता ने कैसे महंगाई का मार झेला है, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। 60 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जब विपक्ष में थे तो सीना पीट रहे थे चौराहे पर बैठकर अच्छे दिन दिखाने के नाम पर पेट्रोल 100 के पार कर दिया है, गैस सिलेंडर 300 का 1000 पार कर दिया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि अच्छे दिन दिखाने के नाम पे मोदी जी ने देश को ठगा है और प्रदेश और देश के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए सुभाष पांडे जो संघर्ष किया, समाजवादी पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, ये विषय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का है, इस विषय पे मैं अपना कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, उनका विषय है। जो आपका मौजूदा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने आपसे पहले भी बताया कि मैं मौजूदा प्रत्याशी जो हमारे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में है। मैं तन मन धन से अपने सभी प्रत्याशियों के 403 विधानसभा पे मैं कामना करता हूं, प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे सारे विधायक जीत जाएं और मैं 300 प्लस सीटों से आ रहा हूं उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की समाजवादी। आपका प्रत्याशी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा? हमारा देखिए, व्यापारी की लूट हत्या राजनीति, व्यापारियों को सुरक्षा देना हमारा कार्य है, किसानों की सुरक्षा देना हमारा काम है, एमएसपी पे हम काम करेंगे, व्यापारी राहत कोष का निर्माण करेंगे। किसी व्यापारी के यहाँ अगर लूट हत्या डकैती छिनैती होती है, मैं 500 करोड़ रुपए पे व्यापारी राहत कोष का निर्माण करूंगा, 48 घंटे के अंदर लूटे हुए व्यापारियों को व्यापारी राहत कोष से मुआवजा मिलेगा, पुलिस के द्वारा बरामदगी किए हुए माल से सरकार की खानापूर्ति की जाएगी। व्यापारियों, किसानों, महिलाओं और छात्रों सभी लोगों के लिए हम समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी पत्रिका घोषित कर चुके हैं और सब विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर समाजवादी सरकार बनती तो बिलग्राम मल्ला में बस स्टैंड बनेगा या नहीं बनेगा? समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, अभी आपने देखा होगा कोविड जैसी महामारी आई है और सबसे ज्यादा सेवा अगर किसी ने किया है तो समाजवादियों ने किया है। उत्तर प्रदेश के जो सरकार हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे थे, उन्होंने हिंदू लोग जो कोविड को कोरोना काल में खत्म हुए हैं, अंत्येष्टि के लिए उन्होंने लकड़ी तक मुहैया नहीं करा पाए, दंगा में सैकड़ों के तमाम लाशें बह गई। और हम समाजवादी लोग हैं, हम विकास के नाम से ही पहचाने जाते हैं, विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय शिवपाल जी, ये विकास पुरुष कहलाते हैं। और हम लोग बिलग्राम ही नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास करने आए हैं। हम व्यक्तिगत एक चिन्हित जगह के नाम नहीं बता रहे, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास की बात कर रहे हैं। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।